इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ आप आएंगे कि लगभग 25 से 30 हज़ार लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, तो वहाँ सवाल कैसे होंगे? नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं दिल्ली विश्वविद्यालय मौजूद हूँ। जिस तरीके से लगातार शिक्षा नीति पे वार किया जा रहा है, लगातार जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति बताकर यहाँ पर लागू करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी के चलते यहाँ पर एक जो है आज प्रदर्शन किया जा रहा है। जेएनयू के छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और यहाँ शिक्षक भी मौजूद हैं। तो हमारे साथ हैं मीना जी। तो मीना जी, जिस तरीके से न्यू शिक्षा पॉलिसी की फायदे बता करके लाया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, फायदे बताए जा रहे हैं? देखिए, अगर फायदे होते तो सबसे पहले तो इसे पार्लियामेंट में चर्चा किया जाना जरूरी था। अगर फायदे होते तो वहाँ चर्चा होती और उसका पता भी चलता देश को कि क्या फायदे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हैं, क्या नहीं है। हम जानते हैं कि उसके फायदे नहीं है, और अगर किसी को फायदा मिल रहा है तो इस देश के कुछ चंद पूंजीपतियों को उसका फायदा दिया जा रहा है और उन्हीं के लिए पॉलिसी लाई गई है। जिस तरीके की बातें हवा में कही गई, वो दरअसल हो ये रहा है कि सच का एक बहुत छोटा सा हिस्सा बताने करके उसे ही पूरा सच बता देने की कोशिश चल रही है। लगातार कहा जा रहा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी का मसला है, यहाँ शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी का मसला बिल्कुल ही नहीं है। दरअसल ये शिक्षा व्यवस्था को, पूरे पूरे सिस्टम को ऑटोनॉमी के बजाय ये समझिए कि एक चार दीवारी में कैद करने की साजिश है। इस देश में अभी आज की तारीख में अगर हम लोग देखें, एनईपी के लागू होने से जस्ट पहले लगभग 44 लैंग्वेजेज ऐसी हैं जिसमें एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन की हम लोग बात करें, वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी मात्र 14 लैंग्वेजेस की बात करती है, मात्र 14 भाषाओं की। मातृभाषा के नाम पर किस तरीके से जो अदर लैंग्वेजेस थी, जो डोमिनेट नहीं है, उनको किस तरीके से साइड कर दिया गया, उनको सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। अगर वो भाषाएं, अगर वो प्रैक्टिस में नहीं आएंगी, उसको अगर एजुकेशन नहीं दी जाएंगी, तो सोचिए कि उनके ऊपर किस तरीके का थ्रेट होगा। आने वाले दिनों में कुछ एक चंद भाषाओं को धीरे धीरे बाकी भाषाओं के ऊपर थोप दिया जाएगा, ये आपको देखने की जरूरत है। दूसरा, जब आप इसके फायदे की बात करें, तो फायदा किस तरीके से प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मिल रहा है कि लगातार सरकार पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बजट कम कर रही है और उनके सर्वाइवल के लिए कह रही है कि आप जो है कर्ज लीजिए, सरकार से कर्ज लीजिए या प्राइवेट प्लेयर से कर्ज लीजिए। हेफा एक हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बनाया जो यूनिवर्सिटीज को और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को कर्ज देने के लिए बनाया गया था। आप कर्ज लीजिए, ब्याज सहित आपको वापस भी लौटाना है। आपको अब फंड देने की जो कवायद थी वो कम हो चुकी है, और जैसे ही एनईपी आएगा उसमें कहा जा रहा है कि आप एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होंगे। ऑटोनॉमी का मतलब आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी से है। इट मींस कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको हर महीने लाखों करोड़ रुपया चाहिए अपने इंस्टीट्यूशंस को सर्वाइव कराने के लिए, उसे अगर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनना है फाइनेंशियली, तो सोचिए कि ये कहां से इतना पैसा लग करके आएगा। जाहिर सी बात है कि कोई प्राइवेट प्लेयर आकर के इसको टेक ओवर करेगा, किसी हिस्से में अपना मैरिज गार्डन खोलेगा, किसी में अपनी कंपनी का जो है ऑफिस खोलेगा, किसी कंपनी में, किसी कोने में, इस कॉलेज में जो है वो अपनी फैक्ट्री खोलेगा और वहाँ से उसको वसूल करना शुरू करेगा। दरअसल सरकार ये कर रही है, वो चाहती है कि ये इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाए ताकि सरकार के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाए। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो आप सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करेंगे तो वहाँ पर डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन का जो स्पेस है उसे खत्म कर दिया जाएगा। सिर्फ आप जैसे मुखिया आपका कहेगा, कंपनी का मालिक कहेगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि उसी भाषा में बोले। आप बहस करना बंद कर दें, आप डेमोक्रेटिक इथोस को खत्म कर दें, कैंपस की डेमोक्रेसी को खत्म कर दें। और जब कैंपसों में डेमोक्रेसी खत्म होती है तो आने वाले दिनों में उसका असर सोसाइटी में भी। छात्र तो पढ़ने आते हैं ना, बहस करने नहीं आते हैं। कहा जाता है हमेशा से, जेएनयू को तो हमेशा टारगेट पे रखा जाता है कि भैया ये राजनीति ही करते हैं। देखिए, पढ़ने का मतलब मेरी नज़र में जो है
उसका पढ़ने का मतलब होता है कि किसी भी सोसाइटी को बेहतर तरीके से समझने की एक जगह कैंपस है, जो अगर उसकी यूनिवर्सिटी का नाम को भी देखेंगे ना तो वो यूनिवर्स की बात करती है कि आप पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। विश्वविद्यालय हिंदी में भी विश्व की बात कर रहे हैं, विद्यालय बाद में है, पहले विश्व है। तो आप जब ग्लोबल नॉलेज की बात करते हैं, ग्लोबल नॉलेज को एकोमोडेट करने की बात कर रहे हैं, ग्लोबली आप नॉलेज प्रोड्यूस करने की जब बात करते हैं, ग्लोबल सोसाइटी को देख करके आप जब बात करते हैं, उसका मतलब कुछ और है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है कि आपको जो इंफॉर्मेशन नहीं है, इंस्टीट्यूशंस का मतलब, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का मतलब है नॉलेज प्रोड्यूस करना। नॉलेज सिर्फ नॉलेज जो है नॉलेज लेना तक नहीं है, नॉलेज प्रोड्यूस भी करना है। जब आप नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे तभी जा करके कोई चीज़ बनेगी। और इसीलिए इंस्टीट्यूशंस को पहले आप देखेंगे तो सरकारों ने एकेडमिक ऑटोनॉमी दी थी, क्योंकि आप तमाम तरीके के पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तमाम तरीके की जो बंदिश हैं उससे फ्री होकर के फ्रीली जो है आप सोच सके, फ्रीली आप अपना काम कर सके, और इसीलिए वो ऑटोनॉमस मिली थी। लेकिन अब उस ऑटोनॉमी के नाम पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको दे करके आपको कहा जा रहा है कि आप अब कर्ज लेकर के गुलाम बन जाइए, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है जी। अच्छा, 2014 में जब ये सरकार आई थी तो उसने कहा था कि हम शिक्षा नीति पे काम करेंगे, तो अब वो काम कर रही है तो उसमें दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आप बोल रहे हैं कि सरकार अब इस तरीके से कर रही है और नहीं करती है, तो आप बोलते हैं कि सरकार नहीं कर रही है, तो आखिर सरकार भी क्या करे? सरकार जो है लोगों के हिसाब से काम करे तब तो कोई सवाल ना हो, लेकिन अगर सरकार दो लोगों के लिए काम करे, अडानी और अंबानी के लिए काम करे, और अगर हम सवाल उठाएं तो उसे अगर इग्नोर कर दिया जाए, उसे ये कहा जाए कि भाई बताओ सरकार क्या करे, तो ये तो बहुत ही बेवकूफाना मतलब है। इसका मतलब है कि आप डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोग नहीं रहे हैं। अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो इसका मतलब है कि जो जनप्रतिनिधि हमने चुना है उससे सवाल करने का हमें हक है, क्योंकि इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं। इस देश को बनाने वाला मेहनत का मजदूर तबका है, इस देश का किसान है, इस देश और अलग अलग हिस्सों में जो काम कर रहा है वो बनाने वाला तबका है। अगर उसे उसका शेयर नहीं मिलेगा तो वो सवाल करेगा। अगर आप पूंजीपति दोस्तों के लिए, मुनाफे के लिए काम करेंगे तो जाहिराना बात है कि हम वो नहीं होने देंगे, और उस समय तक हम सवाल उठाते रहेंगे जब तक कि आप जनता के हित में काम नहीं करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हमारी लड़ाई सड़क पर जारी, आज दिल्ली विश्वविद्यालय में जारी है, कल संसद पर होगी, तो लड़ाई हमारी कंटिन्यू है जी। खास करके वामपंथी विचारधारा वाले या फिर वामपंथी विचारधारा वाले विश्वविद्यालय इसको एनईपी को अपोज कर रहे हैं। विश्वविद्यालय जो है देश के कोने कोने में, वहाँ से आवाजें नहीं उठ रही हैं, या फिर इन्हीं विश्वविद्यालयों में जेएनयू हो या डीयू हो, बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रोफेसर हैं, वो मौन है। क्यों उनका समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं इस आइडिया से इतफाक नहीं रखता कि विश्वविद्यालय वामपंथियों के हैं। विचारधारा को क्योंकि अगर वामपंथी बिल्कुल एकदम, मैं आरोप को मान रहा हूँ कि आरोप लगते रहे हैं और लगते हैं। देखिए, दूसरी एक चीज कि वामपंथियों की अगर बात करोगे तो इस देश में वामपंथियों की कोई सरकार कभी नहीं रही, देश में तो नहीं रही, कुछ स्टेट में हो सकती है, और दिल्ली में कभी नहीं रही। जेएनयू और डीयू जिसकी आप बात कर रहे हैं यहाँ तो कभी नहीं, यहाँ तो सरकार में भी केंद्र में भी जो है बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है, या कुछ समय के लिए जनता पार्टी का। अब अगर उसके बावजूद भी वामपंथी जिम्मेदार हैं तब तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, पहली चीज। दूसरी ये कि क्या वामपंथी लोग सवाल नहीं उठा रहे या बाकी के विश्वविद्यालय में सवाल नहीं उठा रहे, ये बहुत जाना जरूरी है कि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश के हर एक हिस्से में आवाज़ उठ रही है। बस ये है कि उन आवाज़ों को क्रश करने की कोशिशें चल रही, लगातार उन आवाज़ों को कुचला जा रहा है। इस देश में आप सोचिए कितने विश्वविद्यालय जहाँ पर ट्रेड यूनियन जिंदा है, ज़्यादातर जगह नहीं है, सिर्फ कुछ विश्वविद्यालय जहाँ पर टीचर्स की ट्रेड यूनियन जिंदा है, और जहाँ जिंदा है वो सवाल उठा रहे हैं। आप याद कीजिए जहाँ पर स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस को खत्म कर दिया गया, उनकी जगह इलेक्टेड बॉडीज हैं, बीएचयू जैसे विश्वविद्यालय कोई इलेक्शन नहीं होता, इतना बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ आप आएंगे कि लगभग 25,000 से 30,000 लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, तो वहाँ सवाल कैसे होंगे? सवाल नहीं उठाने के स्पेस है, क्योंकि लगातार आपको, आप सोचिए कि आप एनईपी पर डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन सड़क पर खड़े होकर के, आपके विश्वविद्यालय के भीतर परमिशन नहीं है, जबकि एजुकेशन की जब बात हो रही है तो आपके विश्वविद्यालय में परमिशन होनी चाहिए थी, लेकिन आपको सड़क पर धकेल दिया गया। सेम सिचुएशन इस देश के अलग अलग विश्वविद्यालय में, जहाँ पर कि
प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया बच्चों को, जहां पर कि विश्वविद्यालय के कैंपस के जो स्पेस है उसको क्लोज कर दिया गया, हॉल्स को बंद कर दिया गया, उनकी आवाज़ को क्रश कर दिया गया, या उनकी आवाज़ जब उन्होंने उठाने की कोशिश की सड़क पर भी अगर आप देखेंगे तो पता चलेगी उसे वो तवज्जो नहीं मिली। आज हम लोग दिल्ली में हैं इसलिए आप साथी यहाँ तक पहुँच पाए, आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप भी जगह जगह अलग अलग हिस्से में नहीं पहुँच पा रहे जहाँ पर लोग आवाज़ उठा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, आवाज़ें अलग अलग। दिल्ली में ये जो जत्था अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है ये नॉर्थ पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर करके आता है, लेकिन न्यूज़ कब आकर के बनती है? जब वो दिल्ली पहुंचता है, क्योंकि गोदी मीडिया के लोग जिनके पास बड़ा पैसा सरकार से आता है वो इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे। जो कुछ वैकल्पिक साथी हैं, वैकल्पिक मीडिया जो चलाते हैं, जो समाज के हित में काम करें, उन तक जब ये बात पहुंचती है तो वो आकर के अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अपनी बात को उठाने की कोशिश करें और उसका रिजल्ट आप हमारे सामने है और ये जत्था हमारे सामने। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के चंद प्रोफेसर, चंद उंगली पर गिने जा सकने वाले नाम हैं जो इस तरह के विरोध में शामिल हो रहे हैं, बाकी जो है तकरीबन ये दोनों विश्वविद्यालयों को मिला दिया जाए तो 15,000 से 18,000 प्रोफेसर होंगे तकरीबन, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, लेकिन इसके आसपास है दोनों विश्वविद्यालय को मिला दिया गया। बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग है और वो जो है अगर वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट को और अपनी बातों को नहीं रख पा रहा है तो ये दोनों के लिए सोचने की बात है, प्रोफेसर के लिए एक बुद्धिजीवी वर्ग जो तैयार कर रहा है उसके लिए भी सोचने की बात है, जो तैयार हो रहा है उसके लिए भी सोचने की बात है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसी साल जब NEP का ड्राफ्ट आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन जिसमें 10,000 से ज़्यादा शिक्षक शामिल हैं, उन्होंने NEP का पहला क्रिटिसिज्म, लगभग 450 पेज का क्रिटिसिज्म दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हम लोग देकर के आए थे, टीचर्स की तरफ से देकर के आ गए, इस ड्राफ्ट पर दिया था फाइनल पॉलिसी से पहले। JNU की बात करें तो JNU के टीचर्स यूनियन ने भी वही ड्राफ्ट अपने तरीके से उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया था, उन्होंने भी NEP को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ पॉलिसी में नए चेंजेस की बात कही थी, उन चेंजेस को कभी एकोमोडेट नहीं किया, ना DU के लेवल जो प्रपोजल उनको किया, ना JNU के लेवल पे किया। JNU के स्टूडेंट्स लगातार पूरी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आपके सामने IC घोष यहीं पर मौजूद है, आप देखिए कि लगातार स्टूडेंट यूनियन जो है स्टूडेंट की आवाज़ को लेकर के NEP के मसले पे लगातार पार्लियामेंट से लेकर के यूनियन तक लड़ रही है। यहाँ दिल्ली की यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो जत्था आप यहाँ पे अलग अलग कॉलेजेस में NEP को लेकर के लगातार मूवमेंट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो सरकार के साथ में हैं, जिनको सरकार की तरफ से जो है एक चुप्पी का जो है आदेश है कि नहीं आप चुप रहेंगे, आप सवाल नहीं उठा सकते, वो जरूर चुप है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम तबका आपका सड़कों पर है, आप यहाँ भी देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1,000 की तादाद में बच्चे यहाँ पर होंगे, जबकि कल इस जत्थे के पहुंचने की सूचना दी गई थी, अगर 1,000 बच्चे आप तुरंत ऑन द स्पॉट नॉर्थ कैंपस में इकट्ठे हो रहे हैं तो इससे आपको पता चलता है कि मूवमेंट कितना तेजी से चल रहा है, कितना NEP को लेकर के जो है लोगों के अंदर जो है गुस्सा है, उससे होने वाले नुकसान को लेकर के चिंता है, और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर महिला बहुजन आदिवासी सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं NEP से, और उस लेवल के प्रोफेसर खास करके मैं बड़े कैनवास से बात कर रहा हूँ, दलित प्रोफेसर कम ही दिखते हैं, इस मामले को उठाने में महिला प्रोफेसर कम उठती हैं, आदिवासी प्रोफेसर जितने भी हैं अगर जिनके 5-10 भी हैं तो उनमें से 2 आदमी भी नहीं दिखते हैं कि हम उस चीज़ को और प्रोटेस्ट करें और ज़ोर शोर से प्रोटेस्ट करें और अपनी सोसाइटी को मजबूत करें, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए एक चीज़ ये जानिए कि अगर सोसाइटी में आप देखेंगे तो जो प्रोग्रेसिव सेक्शन जो होता है ना कि सोसाइटी के फ्यूचर को लेकर के जो कंसर्न रखता है उनका नंबर हमेशा बहुत लिमिटेड होता है, जो सोसाइटी के पर्सनल फ्यूचर को लेकर के हर एक व्यक्ति कंसर्न है, लेकिन सोसाइटी के फ्यूचर को लेकर के जो कंसर्न है ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो वो जो लिमिटेड लोग हैं लेकिन वो इतनी दमदारी से अपनी आवाज़ उठाते हैं कि संसद तक वो आवाज़ें जाती हैं, नंबर्स कम है लेकिन उसके बाद क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे समाज के साथ क्या होगा, मैं जानता हूँ एज ए आदिवासी मुझे पता है कि इस देश का 45% आदिवासी 45% आदिवासी बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो वो आदिवासी इन संस्थानों तक नहीं पहुँच पाएगा, थैंक्स टू रिजर्वेशन कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए,
थैंक्स टू पब्लिक फंडेड एजुकेशन की चंद हजार रुपयों में हमारे घर वाले यहाँ तक भेज पाए। अगर वो नहीं हुआ पैसा, अगर लगातार लाखों में अगर डिग्रियों के लिए वसूला गया, तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी इन विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंच पाएंगी। और इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नहीं आ रहे हैं उनको भी हम यहाँ से कह रहे हैं कि साथी आ जाइए, अभी भी वक्त है। नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरीके का हमला है, जिस तरीके से देश को तोड़ा जा रहा है, उसी तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तोड़ा जा रहा है। और आने वाले दिनों में अगर हमने नहीं बचाया तो इस देश का संविधान को भी इसी तरीके से खतरे में डाल दिया जाएगा। खास करके कमजोर जाति और उसको शिक्षा से हटा देने की, स्किप करने की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल है, आरक्षण का भी कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। देखिए एक चीज देखिए, जैसे पब्लिक फंडेड एजुकेशन खत्म होंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आएंगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आएंगे, वहाँ वैसे रिजर्वेशन नहीं है। उन्हें रिजर्वेशन ऑफिशियली खत्म करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पॉलिसी में चेंज किया, पब्लिक फंडेड एजुकेशन खत्म हुए, प्राइवेट बने, प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। दलित पिछड़ा आदिवासी तो ऐसे ही बाहर हो गया, और जो इकोनॉमिकली और कमजोर है वो तो और भी तेजी से बाहर होगा, वो तो सबसे पहले अपने इनिशियल स्टेज में बाहर होगा। तो ये पूरी पूरी साजिश है। इस देश में ओबीसी तबका, खास करके 1993 के बाद और यूनिवर्सिटीज में तो 2006 के बाद बड़ी मुश्किल से घुसा था। ओबीसी रिजर्वेशन इस देश की यूनिवर्सिटीज में 2006 के बाद लागू होता है, और वो भी कोर्ट के आदेश के बाद। एसटीएससी रिजर्वेशन 1997 में आता है। तो सोचिए कि ये पिछले 25-30 साल का मामला है टोटल। दलित पिछड़ा तो अब आना शुरू, ओबीसी को तो अभी 15 साल भी नहीं हुआ, उससे पहले उनको बेदखल करने की साजिश चल रही। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये पॉलिसी अल्टीमेटली हमारे, अगर जो जिसे हम लोग बहुजन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, वो पूरा सोसाइटी जो मार्जिनलाइज सेक्शन हमारा, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। उसे शिक्षा से बेदखल करने की साजिश एनईपी है। किसान आंदोलन को एक तरफ देखे, एकता थी, यूनिटी थी, हर जगह से लोग जुड़े थे, वैसा आंदोलन क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा? या फिर टीचर्स का विश्वविद्यालय की बात करें तो रोशन आंदोलन जिस तरह से पैदा हुआ, तो उस तरह का आंदोलन क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है? देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, हर एक चीज का स्पार्क अलग अलग तरीके का है, क्योंकि एजुकेशन अभी भी हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं है। हर किसी के लिए आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि एनईपी के नुकसान समझ पाना भी आसान नहीं है। एनईपी के नुकसान, किसान आंदोलन की भी बात करो तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान समझा था उस बात को, और उसने पूरे देश के किसानों को समझा दिया। उसी तरीके से जो यूनिवर्सिटीज और जो स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि ये जत्था देश के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। और जब ये जत्थे ऐसे ही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, वो धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के एक ऑल इंडिया मूवमेंट इसके खिलाफ हम लोग देख रहे हैं कि होगा। आपको याद होगा कि किसान आंदोलन से पहले महाराष्ट्र के भीतर आपका पुणे से लेकर नासिक तक एक पैदल मार्च किसानों का हुआ था, किसान आंदोलन से पहले हुआ था, जिसमें लाखों की तादाद में लोग आए थे, लेकिन उसको ज़्यादा तवज्जो मेनस्ट्रीम मीडिया, खास करके दिल्ली की मीडिया ने नहीं दी थी। लेकिन जब दिल्ली को घेरा गया तब उन्हें पता चला कि नहीं, नासिक के लोगों ने भी आंदोलन किया था, अलग अलग हिस्सों। तो वही स्थिति है कि आने वाले दिनों में ये मूवमेंट जैसे चल रहा है, आने वाले दिनों में पता चलेगा कि आपको अलग अलग हिस्सों में भी मूवमेंट देखने मिलेगा। कहा जा रहा है पिछले 34 वर्षों में शिक्षा नीति में बदलाव नहीं आए, अब बदलाव किए जा रहे हैं, न्यू इंडिया बनाया जा रहा है, न्यू इंडिया बनना भी चाहिए, तो न्यू इंडिया की कोशिश की जा रही है, आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। बिल्कुल, देखिये न्यू इंडिया अडानी के लिए बन रहा है, और उसमें हम जानते हैं कि जब अडानी और अंबानी के लिए न्यू इंडिया बनेगा तो उसमें जितेंद्र मीणा की कोई हैसियत नहीं है, जितेंद्र मीणा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जितेंद्र मीणा जैसे लोगों के रहने की जगह भी नहीं है वो जगह। ओके, अडानी और अंबानी के देश में मेरी क्या जरूरत है? एज ए आदिवासी मेरी जमीन की जरूर उन्होंने जरूरत है, तो वो कभी भी पुलिस को भेज करके, आर्मी को भेज कर कभी भी मुझसे छीन लेंगे। वो आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ भी वही है। उस न्यू इंडिया में दलितों की भी जगह नहीं है, आदिवासियों की भी नहीं है, पिछड़ों की भी नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। न्यू इंडिया कुछ चंद लोगों का है, उस न्यू इंडिया में वो चंद लोग हैं उन्हीं का मुनाफा है, उन्हीं की सत्ता है, उन्हीं का पूरा मामला है, देखरेख का मसला है। ऐसे में ये न्यू इंडिया जो है, ये जो बनाने की साजिश है, वो मेरे एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, मेरे अस्तित्व के खिलाफ है, ये मेरे अस्तित्व को कुचलने की कोशिश है। और इसीलिए ये मुझे जो न्यू इंडिया बनाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि मुझे ये मिटा देने की साजिश है। तो यानी एक तरफा भारत बन रहा है, एक तरफा से भी ज्यादा एक तरफा मामला है। ये दरअसल दो तीन लोगों का भारत है, जिसमें कुछ दो लोग पॉलिटिशियन है, दो लोग जो है आपके पूंजीपति लोग, बस ये तीन चार लोगों का मामला, उन्हीं का इंडिया है, बाकी का नहीं।
जैसे मन की बात करने का हक उन्हीं को हमें नहीं है, तो बिल्कुल इसको ऐसे ही समझने की जरूरत। जी ये उन्हीं का है। एक बैनर देखा कि उसमें लिखा हुआ था तिरंगा झंडा है तो शिक्षा भगवा क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए आप देखिए, जब बुरके के नाम पर, बुरका पहनने के नाम पर अगर बच्चियों को एग्जाम से बाहर किया जाएगा, उन्हें स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा, कॉलेज में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि आप शिक्षा को भगवा कर रहे हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भगवा जो आइडियोलॉजी के जो समर्थन में जो लोग RSS BJP के समर्थन के जो लोग हैं वो एंटी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं कैंपस के भीतर, और जो पढ़ने लिखने की बात करते हैं उन्हें सड़क पर धकेल दिया गया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सावरकर जी बुलबुल से उड़ करके जा रहे हैं, तो ये शिक्षा का भगवाकरण नहीं है तो और क्या है? तो हम ये कहते हैं कि जब तिरंगा कम से कम 3 रंगों का, तो ये देश में तो और ज़्यादा रंग है, बहुत एक ये देश में तो अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग हैं, इसीलिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कही गई थी। अब आप उस यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के आइडिया को ब्रेक कर रहे हैं। आप सोचें कि सब लोग भगवा हो जाए, वैसा पॉसिबल नहीं है, तो शिक्षा भी भगवा हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और अगर वो कोशिश भी करेंगे तो हम ये होने भी नहीं देंगे कि वो शिक्षा का भगवाकरण कर ले जाए। इसीलिए ये लड़ाई हमारी उस कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ के साथ साथ जो है भगवाकरण के खिलाफ भी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मीना जी थे जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही। तो किस तरीके से NEP लागू करके, शिक्षा नीति को लागू करके, जिस तरीके की नई शिक्षा नीति को लागू करके न्यू इंडिया बता करके थोपा जा रहा है उन छात्रों के ऊपर जो इस तबके से आते हैं, जिनके घरों से जो माँ बाप किसानी करते हैं, जो माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाते हैं, इस विश्वविद्यालय तक पहुँचाते हैं, तो आप सोचिए कि वो किस तरीके से आगे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिस्सा बन सकते हैं, किस तरीके से बनेंगे और किस तरीके से वो इस फी को पे कर पाएंगे। जिस तरीके से नई शिक्षा लागू करने की ये जो रणनीति बनाई जा रही है लगातार, इसमें जो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC की अगर हम बात करें तो उस तबके को ख़त्म करने की बात की जा रही है लगातार। जो यहाँ पर अगर प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो वही छात्र हैं जो आम, जो एक ऐसे घरों से आते हैं जिनके घरों में मजदूरी करके एक दिन का खाना जुटाया जाता है। तो आप सोचिए किस तरीके से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है और किस तरीके से उस स्तर तक घटा दिया जा रहा है कि निचले तबके के छात्र यहाँ पर पढ़ ना सकें। तो आप समझिए कि किस तरीके से न्यू शिक्षा पॉलिसी लाई जा रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।